नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA की याचिका तो स्वीकार कर ली, लेकिन DMA को फटकार भी लगाई। हाई कोर्ट ने DMA से कहा कि रामदेव की कही बात उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इस पर मुकदमा करने का क्या औचित्य हो सकता है। हाई कोर्ट ने DMA से पूछा कि क्या एलोपैथी इतनी कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने भर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए। कोर्ट ने DMA से कहा कि आप लोगों को कोर्ट समय बर्बाद करने की बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है कि योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों से डॉक्टरों को पीड़ा पहुंची है। इस पर कोर्ट ने रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि 13 जुलाई तक बाबा रामदेव खड़काऊ बयान ना दें और इस मामले में कोर्ट के सामने अपना रुख साफ करे। DMA ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि रामदेव अपनी दवा कोरोनिल के बारे में भ्रामक बयान दे रहे हैं और यह दवा कोरोना का इलाज नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।